अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुगीश। अच्छा, तो ये वीडियो जो है कॉकटेल से रिलेटेड है, और इस वीडियो में मतलब कॉकटेल का और हर्बर्ट्स का जो है अब मौसम ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, और मतलब उसमें वो जो है ब्रीड करेंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसी सेटिंग बनाई है कॉकटेल की, और जो जो चीज़ें जो है मैंने अपने केज में रखी हैं, जो चीज़ें इस सीज़न में बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो ही चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। और मैंने जो है केज की क्या सेटिंग की है, केज का क्या साइज़ है, बॉक्स जो लेकर आया हूँ वो कैसा है, वो कितने साइज़ का है, तो ये चीज़ें जो है मैं इसको बताऊँगा, और बॉक्स में मतलब कैसी सेटिंग करनी होती है, क्या चीज़ होती है। तो मतलब मेरे पास जो पेयर है ये तकरीबन ब्रीड के लिए रेडी हो चुका है, और जो है क्रॉस वगैरह एक दो दफ़ा मैंने देखा है होते हुए, तो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो आगे इस तरफ बैठी हुई है, इसके ऊपर ये फीमेल है, और जो पीछे की तरफ है वो वाला मेल है। तो ये पेयर है, ये पहले भी वीडियो दिखा चुका हूँ मैं, जब नया लेकर आया था मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो। तो ब्रीडिंग सीज़न जो है अब शुरू होने वाला है, ज़्यादातर लोग जो है वो अक्टूबर का जो है वो करते हैं, कि अक्टूबर में जो है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है, और अक्टूबर में जो है बर्ड से ब्रीड लेनी चाहिए और वो चीज़ बॉक्स लगाने चाहिए। तो अब जो है सितंबर चल रहा है, सितंबर की आज 5 तारीख है, तो मैंने जो है इनका बॉक्स लगा दिया है। और पहले बॉक्स क्यों लगाया है, कई लोग जो है बाद में लगाते हैं, मैंने पहले क्यों लगाया, तो इस तरह की बॉक्स जब हम लगाते हैं तो परिंदे को बर्ड को एडजस्ट होने में बीच में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब कि तकरीबन जो है आप लगाएंगे तो 10-15-20 दिन जो है वो तो एडजस्ट होने में लगा देगा, और तब उसके बाद जाके फिर मतलब मेटिंग करेंगे और ये होगा, और फिर उसके बाद ब्रीड करेंगे। तो इसलिए जो है पहले लगाया ताकि एडजस्ट हो जाए, और इसलिए भी कि क्योंकि ये जोड़ा जो है मेरे पास यहाँ पे नया है, अगर ब्रीड करेगा तो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। हाँ, कहीं और होते हैं जैसे लोगों के पास होते हैं तो मतलब उन्होंने पहले के रखे हुए हैं, और सीज़न आ चुका है तो उन्होंने मतलब एंड टाइम पे ही मतलब अक्टूबर में बॉक्स लगाना था और वो लगा दिया, और उसने ब्रीड क्योंकि वहाँ पे वो पहले करता रहा है, तो ये इसने पहले यहाँ पे ब्रीड नहीं की, ये इसके लिए नया है, नई जगह है, तो इसलिए जो है इनका बॉक्स लगाना पहले ज़रूरी है, ताकि जो है ये देख लें, एडजस्ट हो जाएँ, मतलब ख़ुद को सेट कर लें, और जो है वो चीज़ हो जाए। तो ये चीज़ होगी, फर्स्ट तो पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं, और वो चीज़ फर्स्ट पहले आप उससे पहले भी एक और चीज़ देखने की कि इसका केज, जो केज मैंने यूज़ किया है वो है ये देखें, 1.5x1.5 का है तकरीबन, मतलब इसकी जो फ्रंट है ना वो जो है 3 है, उसके बाद जो है इसका मतलब जो गहराई है और जो ऊंचाई है मतलब हाइट और वेस्ट जो है वो 1.5 फुट है, तो और फ्रंट जो इसका मतलब लंबाई में वो 3 फुट, और उसके बाद जो है मैंने इसमें जो है एक स्टेक इस तरफ लगाई है, और दूसरी स्टेक आप ये देख रहे हैं इस तरफ लगाई है, तो और उसके बाद एक स्टेक जो है बॉक्स के साथ लगी हुई है, जो कि मतलब मैंने इंस्टॉल कर दी थी और बीच में लगा दी थी, और ये मतलब बॉक्स में जाने के लिए उनको आसानी होती है, और ये चीज़ तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है इसके कई लोग ऐसे होते हैं जो 1.5x1.5 या 2x2 में रखते हैं, उसमें भी चल जाता है, उसमें ब्रीड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में परिंदे को जो है ज़रा इतनी जगह देनी चाहिए ताकि वो अपना पर थोड़े हिला सके, थोड़ा जो है मतलब उड़ सके। अब इसमें इस 3 फुट में भी ये उड़ नहीं सकता क्योंकि जो है सही से वो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो है ये इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, तो थोड़ा बहुत वो कर लेता है, तो इसलिए जो है इतना साइज़ होना चाहिए परिंदे के लिए ताकि जो है कुछ फ्लाई कर सके वो उसमें। तो एक तो ये चीज़, दूसरा देखें वो फीमेल जो है उस स्टेक पे बैठी हुई है, तो वो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ बॉक्स के अंदर जानती है, ट्राई करती है, लेकिन अंदर जाते हुए मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी जो है ऐसे ट्राई कर रहे हैं, बॉक्स मैंने लगा दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद जो है हम इनकी बात करते हैं, ये देखें बॉक्स जो है ये वाला है मैंने जो है ये लगाया है, ये लेकर आया था, ये प्लाई वाला, इसके बाद कीकर वाले भी मिलते हैं लेकिन वो जो है महंगे होते हैं, तो ये सस्ता मिल जाता है, ये तकरीबन मुझे मिला है 450 का, और कीकर वाले मिल जाते हैं 800-750, मतलब इस हिसाब से जो मतलब मार्केट का जैसे रेट होता है वो चीज़। तो इसका जो इस तरह मतलब ऊंचाई है वो है 1 फुट, और उसके बाद इस तरह जो इसकी गहराई है और मतलब पीछे जो मतलब इसकी विड्थ वगैरह वो जो है 8 इंच। तो ये जो है मतलब इससे बड़ा भी आप लगाना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन ये साइज़ जो है बेस्ट है, ज़्यादातर मैंने दुकान वाले से पूछा था तो वो यही कह रहा था कि आप ये वाला ले जाएं, ये बेस्ट है, और मतलब यही कॉकटेल का साइज़ होता है वो चीज़।
तो एक तो ये हो गया बॉक्स, एक होता है वो रेडियो की शेप में जो होता है, जो मतलब इस लंबाई पे होता है। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मेरे एक दोस्त है वो भी मुझे प्रोवाइड कर रहा था कि वो आप जो है मतलब उस तरह बता रहा था, उसने मुझे गाइड किया था कि आप जो है ये वाला उस लंबाई पे जो है रेडियो टाइप जो होता है कि वो बॉक्स होता है वो लेना, क्योंकि वो लंबा होता है और उसमें मतलब कॉकटेल की टेल बहुत लंबी वगैरह होती है, तो मतलब वो आसानी से बैठ जाता है। इस तरह टेल को थोड़ा मुड़ती नहीं है, वो नहीं होती ख़राब, नहीं परिंदे की खूबसूरती ख़राब नहीं होती, तो इसलिए तो सब चीज़ लुक में ही होती है। परिंदे की जैसा वो खूबसूरत नज़र आ रहा होता है तो वैसे ही जो है मतलब लोग पसंद करते हैं वो चीज़। ये देखें इसकी लंबाई वगैरह इस जोड़े की, तो ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा तो बॉक्स के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है इस तरह से है कुछ। ये देखिए सजाई लगी हुई है ताकि जो है इधर उतर के वो जो है नीचे वो हो जाए। उसके बाद जो है ये देखिए नीचे जो है मैंने इसके लकड़ी का शेप जैसे बोलते हैं मतलब बूरा जो है वो डाल दिया है। ये जो है ये भी मार्केट से मिल जाता है, मैं पिंडी से ज़्यादातर चीज़ें लेके आ सकता हूँ क्योंकि लेके आता हूँ वहाँ से, मतलब मुझे आसानी होती है और मतलब आसानी से मिल जाती है। और तो मतलब देर तो दूर तो है वो, लेकिन जो है हर चीज़ आसानी से मिल जाती है जो चीज़ चाहिए होती है। तो ये तकरीबन एक इंच तो नहीं, एक इंच मैंने थोड़ा कम ही डाला है इसमें, और जो है इस टाइप का होता है ये देखें, तो ये नरम है। और जो है ये इसलिए डाला जाता है, आप नहीं भी डालें तो भी, लेकिन ये डालना ज़रूरी इसलिए होता है कि जहाँ भी अंडे देगी तो ये बूरे की वजह से एक ही जगह पे अंडे जो है रुके रहेंगे, और एक जगह मतलब ये आप नीचे तो प्लेन नसीरी जगह, तो ये अंडे कभी मतलब स्लिप होकर फिसल के उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो वो उसमें ख़राब होते हैं, तो इसलिए आप इस तरह डालेंगे तो एक ही जगह पर रहेंगे और जो है वो बेस्ट रहेगा। तो ये देखें कि बॉक्स अंदर से भी कितना खुला है, और मतलब कॉकटेल जो है आसानी से अंदर बैठ सकते हैं। और अगर वो बच्चे मतलब नॉर्मल रूटीन में तीन चार इतने से ज़्यादा पाँच छः भी कई लोग देते हैं, तो मतलब बॉक्स इतना खुला होना चाहिए कि ताकि बच्चे जो है अंदर खुले जा सकें और माँ बाप भी अंदर जाके उनको आसानी से चीज करवा सकें। तो ये चीज़ होगी बॉक्स जो है मैंने इस तरह का लगाया कॉकटेल के लिए। ये देखिए मैंने बूरा भी एडजस्ट कर दिया, मैं दिखाता हूँ कि ये पैकेट में मिल जाता है। वैसे मैं सोच रहा था कि हमारे गाँव आ रहे हैं तो वहाँ से जा के ले आऊँगा, तो वो जो यहाँ पे सही मैं फिर बाद में सेट कर लूँगा। तो ठीक हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये है इस तरह का पैकेट मिलता है, ये 30 रुपए का मिल रहा है अभी, इसमें से मैंने डाला है कि ये देखें इतना सारा फिर भी बच गया ये। तो ये वाला बूरा मैंने यूज़ किया है। उसके बाद जो है इसमें एक और चीज़ जो हमने मतलब मेन है वो ये कि मतलब एक तो अब ब्रीडिंग से शुरू हो चुका है, तो आपने दाने में क्या देना है। दाने में जो है मैं इनको नॉर्मल यूज़ करवाता हूँ, वो ही जो सेम सब बर्ड्स का दाना होता है ये देखें। तो इसमें जो है सूर्यमुखी की है, सूर्यमुखी है, खुरतम है, और चीना है लाल वाला भी और येलो वाला भी, उसके बाद बारीक कंगनी है लाल वाली भी और येलो वाली भी, और उसके बाद जो है गोल कंगनी भी है, उसके बाद इसके बीच में वो होते हैं अलसी की बीज वो भी हैं, उसके बाद जो है इसके बीच में मुंजी है, जवी है, और उसके बाद इसके बीच में है कनेरी सीड जो मेन वो है। वैसे भी इसके बीच में डला हुआ है लेकिन अब सीज़न शुरू हो चुका है, तो मेन बात ये है कि आपने कनेरी सीड थोड़ा सा लेकर मतलब इनकी दाने के ऊपर कोटिंग करके इनको दे देनी, मतलब इस तरह डाल के ना ऊपर, जैसे मैं ये देखें आपको नज़र आ रहा है ऊपर ज़्यादा कनेरी सीड, तो ये शौक से खाते हैं। कनेरी सीड का ये फ़ायदा होता है कि ये एक तो गर्म होता है, अब आगे सीज़न जो आ रहा है वो ठंडा होगा, तो आपका परिंदा जो है वो मतलब उससे बेहतर रहेगा, और ये जो है आपके परिंदे को मतलब ब्रीड की तरफ लेकर आता है, हीट देता है, और जो है मतलब ये ऑयली सीड होता है एक तो जब परिंदा ब्रीड करेगा एग लेइंग करेगा फीमेल, तो उसको मतलब एग बाइंडिंग का इशू नहीं होगा, और मतलब इस तरह से आपका परिंदा जो है ठीक रहे, सेहतमंद रहेगा और आसानी से मतलब अंडे वगैरह देगा और ब्रीड करेगा, तो एक जो है इसलिए भी बेस्ट है और जो है परिंदों को पसंद भी होता है, इसलिए भी वो शौक से खाते हैं, तो इसलिए डालना ज़रूरी है इनके इसमें। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ है जो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जो कि शेयर करूंगा, जो कॉकटेल लव बर्ड, उसके बाद जावा, उसके बाद फिंचेस, डव, ओगोरोमो एग्जीबिशन, उन सब के लिए बेस्ट है वो चीज़। तो वो क्या फार्मूला है, वो ब्रीडिंग फार्मूला है, तो वो मैं अलग वीडियो में, आसान है और इंतहाई बहुत ही बेस्ट है परिंदों के लिए, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा तो उसमें शेयर करूँगा आपके साथ कि वो क्या चीज़ होती है। तो है एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी ये चीज़ जो है क्या नाम है, आपने अब सीज़न शुरू होने वाला है तो इस वक्त जो है आपको मतलब आपने ग्रीन फूड भी देनी है इनको, ग्रीन फूड में मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि अभी सीज़न चल रहा है तो आपने देनी, वैसे भी रूटीन में नॉर्मल जब चलता है, अगर जब ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता तब भी आपने अपने परिंदों को जो है
ये चीज़ देनी है, और मतलब उससे आपके परिंदे सेहतमंद रहेंगे। और ग्रीन फूड में, ग्रीन फूड में मतलब आप क्या कहते हैं, गाजर दे सकते हैं आप, उसके बाद जो है इनको पालक दे सकते हैं। पालक आपने कम मिकदार में देनी है, और मतलब ज़्यादा नहीं, वीक में एक दफ़ा दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है चकंदर हो गया वो दे सकते हैं, और उसके बाद पुदीना हो गया वो दे सकते हैं। धनिया जो है ठंडा होता है, आप अगर दें तो कम मिकदार में दें, ब्रीडिंग सीजन में आपने ज़्यादा नहीं देना धनिया, ठीक है। उसके बाद जो है और भी कई ऐसी चीज़ें जो मतलब दे सकते हैं, जैसे कि मतलब ये आपको बीच में एक नज़र आ रहा होगा, ये है क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादातर लोग जो है आजकल यूज़ करवा रहे होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, और इसका सब्ज़ी मैंने इसके घर में पौधे लगाए हैं। तो ये जो है सुहांजना इसे कहते हैं, मोरिंगा इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं और उर्दू में सुहांजना कहते हैं। ये जो है इसके, सॉरी, ये देखिए इस तरह के जो है पत्ते होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इनको डालो तो ये जो है खाते हैं और इनके लिए बेस्ट है। ये भी गर्म होता है तो जो है मतलब आप दें, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा उस तरह रोज़ाना डेली बेसिस पे ना दें, लेकिन जो है आप वीक में एक या दो दफ़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेस्ट रहता है। उसके बाद जो है आजकल ज्वार चल रही, मतलब गंदम जो होती है ना, गंदम बोल रहा हूँ सॉरी, ज्वार यानी मकई, तो मकई ज्वार जो छोटी वाली होती है, और जो मकई जो होती है वो बड़े साइज वाले दाने जो होते हैं, जैसे कि भुट्टा जो नरम होता है, छल्ली जो होती है ना, जैसे कि ये वाली है, तो ये देखें आप इस तरह की है ये। तो ये ताज़ी मिलती है, जो दूध या छली जैसे कहते हैं वो ला के आपको डाल, इनको डाल सकते हैं, वो इनके आप जब खाएंगे तो भी इनके लिए बेस्ट है, और इनको पसंद भी होती है, शौक से खाते हैं। और इसके बाद जो है जब बच्चे पैदा होंगे तो अब भी जो है साफ़ फूड के तौर पर आप इनको दे सकते हैं। तो साफ़ फूड में जो है कई दालें वगैरह आप यूज़ करवा सकते हैं, अभी भी इनके लिए बेस्ट हैं, आगे जब ग्रीन सीजन में बच्चे होंगे तो भी, जैसे कि उबले हुए चावल हो गए, माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, गंदम हो गई, गंदम थोड़ी मकदार में देनी है लेकिन आप दे सकते हैं, और काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, सफ़ेद लोबी हो गए, लाल लोबी हो गया, तो ये एक बराबर मकदार में जो है क्या नाम है आप एडजस्ट कर लें। मैं इस पर अलग एक वीडियो बना दूँगा, तो वो आपने साफ़ फूड के तौर पर जो है आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, वैसे नॉर्मल रूटीन में भी और ब्रीडिंग सीजन में भी, और जब बच्चे पैदा हो जाएं तब तो लाजमी आपने सुबह और शाम दो टाइम इनको लाजमी देना है, क्योंकि बच्चों को ये साफ़ फूड खिलाते हैं तो पेट का यही मसला होता है कि जो है लोग जो है साफ़ फूड नहीं डालते तो ये बच्चों को मार देता है, मतलब कहते हैं कि बच्चों को मार देता है, वो ये चीज़ होती है कि बच्चों को खिलाता कम है, जिसकी वजह से मतलब दाने वगैरह होते हैं तो ये साफ़ फूड होता है तो अच्छे से खिलाता है, वैसे अगर साफ़ फूड नहीं डालेंगे तो नहीं खिलाएगा उस तरह से सही, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे मर जाते हैं, और लोग कहते हैं कि जो है कॉकटेल सही फीड नहीं करवाते और इस तरह होता है, और इस तरह ब्रीड सही नहीं करते, और ये चीज़ होती है। तो साफ़ फूड डालना ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न में और दौरान, जब उस दौरान जब ये बच्चे निकाल लेते हैं, जब बच्चे दे देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि जब, वैसे तो आपने इसको ब्रीडिंग सीज़न में जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाल के देना है इनके फीड मिक्स फीड में सनफ्लावर, लेकिन जो है जब आप मतलब ये सनफ्लावर अभी तो डाल के, लेकिन जब इनके बच्चे निकल आएँ तब आपने सनफ्लावर बिल्कुल ख़त्म कर देना है इनके फीड में से, बिल्कुल दाना जो है सनफ्लावर निकाल देना है, क्योंकि ये बड़ा होता है और ये ऐसे ही मतलब ज़्यादा चबा के नहीं खाते, ऐसे ही खा जाते हैं और फिर बच्चों को फीड करवाते हैं तो बच्चों के गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। मेन वजह जो है ये होती है बच्चों के मर जाने की अक्सर, तो वैसे साफ़ फूड वाली भी होती है लेकिन मेन जो ये होती है कि बच्चे मर जाते हैं, तो ऐसे होता है फीड भी कराई भी थी लेकिन फिर भी मर गया, तो वो ये होता है कि बच्चों के गले में फंस जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। तो आपने ब्रीडिंग सीजन मतलब उस वक्त देना, लेकिन बच्चे निकलें तब आपने सूर्यमुखी नहीं देना इनको, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई, और उसके बाद जो है आपने मतलब ये अंडे देती है फीमेल 4, 5, 6 मतलब हर एक का अपना वो होता है जितने वो देती है, तो आपने जो है इनके केज में इस तरह समंदरी झाग का पीस लाजमी रखना है ताकि जो है ये खाए और मतलब इसका कैल्शियम बरकरार रहे, और वो चीज़ वैसे भी नॉर्मल रूटीन में जो और चीज़ होती है कैल्शियम के लिए जो प्रोवाइड करने वाली होती हैं, जैसे कि मतलब वीक में जो है आप एक दिन जो है इनको वाइटलिन एम दे दें, एक दिन जो है गैप करके आप जो है कैल्शियम पी सीरप पानी में 1 लीटर पानी में जो है 1 चम्मच आपने मिला के देना होता है, तो वो आप दे सकते हैं उनसे उसका कैल्शियम वगैरह बरकरार रहेगा। ये एक चीज़ करनी है। दूसरा आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये कि आपने ये नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, जिसे गुलाबी नमक भी कहते हैं, और ये नॉर्मल जो पत्थर फार्म में आता है ना नमक, ये नमक की एक रोड़ी इतनी सी जितनी भी हो, तो ये जो है आपने इनके केज में ऐड कर देनी है।
तो ये जो है मतलब इस पर अपनी चोंच भी तेज़ करते रहेंगे और दूसरा जो है इसको खाते रहेंगे और जिंदगी नमकियात की कोई कमी वगैरह होती है तो वो चीज़ इनकी पूरी होती रहेगी और ये बेस्ट रहेंगे और ये चीज़ हो गई। तो ये तो चीज़ें थी मतलब इनको देने की और इस तरह से। अब कुछ फार्मूले वगैरह हैं वो अलग से मैं पूरे बर्ड्स की वीडियो बनाऊंगा कि इन सब बर्ड्स को दे सकते हैं वो क्या ब्रीडिंग फार्मूला क्या सीन है, तो वो मैं जो है आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। तो अभी जो है इतना ही। और एक और मेन चीज़ कि आपने पानी इनका जो है दो टाइम चेंज करना है पानी को और साफ़ सुथरा पानी देना है, मतलब जो है बीज में गंद वगैरह ना हो, जैसे कि ये देखें आप हर बार जो है मैं इनको साफ़ पानी देता हूँ। ये आप कुछ दाने सख्त होते हैं जो कि इसमें डुबो के खाते हैं, तो मैं सुबह के टाइम पानी चेंज करता हूँ और फिर शाम को जब मैं दाना चेंज करता हूँ तो पानी चेंज करता हूँ। तो दो टाइम आपने पानी जो है लाजमी चेंज करना है। तो ये जो पानी साफ़ देंगे ज़्यादा बीमारियाँ जो पैदा होती हैं वो पानी के ख़राब गंदा होने की वजह से परिंदों में पैदा होती हैं, तो पानी साफ़ देंगे तो आपके परिंदे कम बीमार होंगे, मतलब नहीं बीमार होंगे। तो ये चीज़। उसके बाद जो है जो सबसे ही मेन चीज़ है वो ये कि आपने केज की सफाई रखनी है, साफ़ सुथरा रखना। देखें ये केज में वहाँ पे बैठते हैं, सिर्फ वहीं पे बीटें जो है होती हैं, तो ये मैं केज की सफाई करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है या कुछ बेहतर लगता है तो। लेकिन डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लें कि ताकि आप जो है इनको साफ़ करके रखें ताकि जो आपके परिंदे मतलब बीमार ना हो, बू वगैरह ना हो केज में। और वैसे भी बंदे को सफाई रखनी चाहिए हर चीज़, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं ले कर आया था, ये देखें, एक तो कैल्शियम मैंने लगा दिया, दूसरा जो कैल्शियम है वो ये बाकी बर्ड्स की भी लाया था और इसके लिए भी, वो तो हो गया, उससे कैल्शियम पूरी होगी। ये जो है मतलब जैसे चाक टाइप होता है या मतलब ये कैल्शियम ही है, लेकिन इससे बेस्ट जो है वो समंदरी झाग होती है। लेकिन जो है ये भी लगाना चाहिए क्योंकि कभी कभी उनका इस तरह की चीज़ें खाने को या मतलब उस पर चोंच मारने को, उसे तराशने को, ऐसे चोंच से कोई चीज़ काटने को दिल कर रहा होता है, तो ये चीज़ भी इसके ऊपर हुक लगी हुई, इससे आप यहाँ पर ये बैठते स्टिक के साथ उधर भी टांग सकते हैं। और अगर उधर नहीं करना चाहते तो वैसे जो है आप केज में नीचे जो है इसको भी रख सकते हैं, तो ये जो है ये भी बेस्ट है। इस तरह मतलब जब उसका दिल होगा तो वो आके खा लेगा इसको, मतलब जो भी उसकी चोंच तेज़ करनी होगी, कुछ भी नमक से भी कर सकता है, उससे भी कर सकता है, जो उनको बेहतर लगता है वो। लेकिन आपने अपनी तरफ से हर चीज़ मुहैया करके रखनी है ताकि जो उनको बेस्ट लग रहा हो, जो उनको अच्छा लग रहा हो, वो चीज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपने मतलब फॉलो करनी है और अपने बर्ड्स के लिए करनी है ताकि जो है उन वो अच्छी ब्रीड करें और जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिले और सीज़न जो है आपका अच्छा रहे। तो बॉक्स भी मैंने आपको बता दिया, केज भी बता दिया, स्टिक मैंने इस तरह एडजस्ट की थी, ये वाली पहले गोल वाली लगी थी अब ये वाली कर दी, तो ये बेस्ट है ताकि जो है मेटिंग करते वक्त ये कुछ स्लिप वगैरह ना हो, गिरे नहीं, वो चीज़ ना हो। तो इस तरह से आपने अपने बर्ड्स के लिए ये चीज़ें करनी हैं ताकि जो है आगे चल के आपका बर्ड आपको ब्रीडिंग सीजन में अच्छा रिजल्ट दे, आपको अच्छा वो दे। मतलब ये जो शौक से जो रखते हैं उनके लिए भी बेस्ट है और जो शौक से नहीं रखते, मतलब जो शौक तो फिर भी होते हैं ना, लेकिन जो मतलब वैसे कारोबार के साथ रखते हैं ताकि जो है ब्रीड अच्छी मिले और मतलब वो आगे सेल करें और प्रॉफिट कमाएं और ये चीज़, तो मतलब ये चीज़ों पर अमल करेंगे तभी आगे जा के आपको फ़ायदा होगा और आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी और आपके परिंदे जो है अच्छी ब्रीड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे चाहिए था कि मतलब मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ और जो मैंने की है अपने बर्ड के साथ। अब आगे जब ब्रीड आएगी या कुछ होगा एग लेंग करेंगे तो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ जो है ये चीज़ें पहले कर देनी चाहिए ताकि जो है वक्त के साथ परिंदा जो है एडजस्ट हो जाए और फिर बाद में आप लोगों को कोई मसला ना बने और इस तरह से फिर हर वक्त खेलना और तंग करना और फिर परिंदे डिस्टर्ब होते हैं और ब्रीड से अच्छे से नहीं आती है, बंदे कहते हैं ऐसे हो रहा है, तो एक दफ़ा लगा दो और जो है फिर बेगम हो जाओ और मतलब उस परिंदे को अपना काम करना है तो फिर उसने जो करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास जोड़ा था, लेकर आया हूँ, पहले मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, अभी जो है ये मेटिंग कर रहे हैं कुछ जो है एक दो दफ़ा मैंने देखा है तो पेयर कंफर्म हो चुका है। मुझे पहले शक था थोड़ा कि ऐसे ना दोनों मेल हो दोनों फीमेल हो, लेकिन जो है मेल फीमेल कंफर्म है, ये जो जाली के साथ जितनी ये फीमेल है और जो स्टेक पे बैठा है ये मेल है। मेल जो है थोड़े पतले साइज में होते हैं और थोड़े मतलब हर वक्त ज़्यादा ऊंची आवाज़ में शोर करेंगे या विसल करता है मेल, और ये भी विसल करता है अक्सर, मैंने देखा है इसको, और वो भी तस्वीर वीडियो या मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा जो भी विसल कर रहा होगा। अभी तो ये मुझसे डर रहे हैं और वो चीज़ हो रहा है, ये उतना तो ज़्यादा नहीं डरते, ऐसे कोकेलों को मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये जो जाले के साथ चिपकी हुई फीमेल है, फीमेल थोड़ी मोटी मोटी सी और भरी भी सी होती है और ये इस तरह ये जो आवाज़ निकाली है ना अभी इसने फिर निकालती है, तो ये वाली आवाज़ ये फीमेल ऐसी हल्की सी आवाज़ निकालती रहती है और मेल इस तरह की ऊंची आवाज़ निकालता है और इससे अलग सीटियाँ टाइप सी आवाज़ें निकालता रहेगा।
ये वाली आवाज़ दोनों निकालते हैं, लेकिन फीमेल इस तरह हल्की सी आवाज़ निकालती रहेगी और मेल जो है वो और सी थोड़ी आवाज़ निकालेगा। तो ये चीज़ होती है इनमें और मुझे काफ़ी पसंद है। और ये इनो रेड आइज़ हैं, वैसे अल्बिनो भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इनको इनो बोलते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल वाइट, तो इससे मेल फीमेल का पता लगाना जो है आप इनकी वेंट से ही वो चेक कर सकते हैं, हड्डी से वो चीज़ आपको पता चलेगी कि ये मेल की आवाज़ थी अभी जो निकली थी सीटी वाली। ये फीमेल भी निकालती है लेकिन बहुत कम इस तरह निकालती है, मेल ज़्यादा इस तरह करता है, शोर मचाता है और ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा शोर मचाएगा रुक लेगा। ये देखेंगे मेल है, ये फीमेल है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और जो है इनका बॉक्स लगाना था। वीडियो लंबी हो गई है और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इनको रिप्लाई कर दूँगा। एंड फाइनली जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सब कवर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे बर्ड्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक हो गया, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।